at this lizard, man. Look at him. Let's go, come on. स्पाइडरमैन कॉमिक्स के फैंस वैज्ञानिक कर्ट कॉनर्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे, जिसने छिपकली के डीएनए का इस्तेमाल करके दोबारा अपने हाथ को रीग्रो कर लिया था। खैर, ये तो रही वर्चुअल वर्ल्ड की बातें, लेकिन असल दुनिया में भी हमें छिपकली में अपनी पूंछ को दोबारा रीग्रो करने की क्वालिटी देखने को मिलती है। आप माने या ना माने, लेकिन छिपकली एनिमल किंगडम की इकलौती जीव नहीं है जिसके पास ये काबिलियत है। धरती पर और भी कई ऐसे जीव हैं जो शरीर के किसी भी अंग को खो देने पर उसे दोबारा रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। आज की हमारी वीडियो स्किंक से लेकर एक्सोल्टा जैसे जीवों पर आधारित है जो शरीर के अंगों को दोबारा उगाने की इस कला में माहिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सोल्टल मैक्सिकन वॉकिंग फिश नाम से दुनिया भर में मशहूर एक्सोल्टल एक प्यारे जीव है, जो कि असल में है तो छिपकली, लेकिन विज्ञान इसे मोबाइल फिश के नाम से देखता है। हालांकि ये जीव आमतौर पर पानी में रहते हैं, लेकिन इनके पास जमीन और पानी दोनों में रहने का तजुर्बा है। इस एक्वेटिक सेलेमेंडर की खूबी होती है कि ये काफी मेहनती होती हैं और बिल्कुल जीरोक्स मशीन की तरह काम करती हैं। सीधी भाषा में समझाया जाए तो एक्सोल्टल अपने शरीर के किसी भी पार्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं, बिल्कुल जीरोक्स मशीन की तरह। जहाँ छिपकली केवल अपनी पूंछ को रीग्रो करने में माहिर होती है, वहीं ये जीव केवल पूंछ और लिम्स ही नहीं बल्कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड्स, हर्ट्स, आईज और यहाँ तक कि दिमाग के किसी भी हिस्से को रीग्रो करने की क्षमता रखते हैं। शिकारी द्वारा हमला करने पर जब ये जीव घायल होते हैं तो अपनी इस काबिलियत के दम पर ये एक नया बॉडी पार्ट ग्रो करने में माहिर होते हैं। एक्सोल्टल स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर अपनी पूरी जिंदगी शरीर के अंगों को बार बार रीजनरेट करते हैं। मेक्सिको में पाए जाने वाले ये जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। स्किंक्स स्किंक्स एक तरह की छिपकली होती हैं, जो कि सिंसिडाई फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं। धरती पर मौजूद ये जीव बेहद ही अनोखे हैं। बाकी छिपकलियों की तरह ही स्किंक के पास पूंछ को रीजनरेट करने की काबिलियत होती है। अगर कोई शिकारी इस पर पीछे से हमला करता है तो स्किंक अपने पूंछ को अलग कर देती है ताकि शिकारी का ध्यान उससे हटकर पूंछ पर चला जाए। इसकी पूंछ शरीर से अलग होने के बाद भी हिलती डुलती रहती है, जिससे शिकारी को पता नहीं चल पाता कि पूंछ अब स्किंक से अलग हो चुकी है। जब तक शिकारी कुछ कर पाता है तब तक ये जीव चकमा देकर वहां से भाग निकलती है। पूंछ खो देने के बाद नई पूंछ को रीजनरेट करने में स्किंक को 3 से 4 महीने का समय लगता है, जो काटना इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि बिना पूंछ के ये जीव बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं। स्टारफिश समुद्र की सबसे प्यारी मछली स्टारफिश को आमतौर पर सी स्टार भी कहते हैं। तारे के आकार की ये मछली समुद्र में रहने वाली बाकी मछलियों से दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन इसके फीचर्स इस लिस्ट में मौजूद बाकी जीवों से कई मायनों में मेल खाते हैं। दरअसल इस लिस्ट के बाकी जीवों की तरह ही स्टारफिश भी अपने शरीर के इंजर्ड आर्म को दोबारा रीजनरेट करने की पावर रखती है। जब कभी स्टारफिश किसी अटैक या हादसे के चलते अपने आर्म्स को खो देती है तो ये उसे दोबारा रीग्रो करना जानती है। इस प्रजाति के ज्यादातर फिश के पास 5 आर्म्स होती हैं, जिन्हें ये रीग्रो कर लेती हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज में आर्म्स की संख्या 40 तक होती है। जहाँ कुछ स्टारफिश पूरे शरीर को रीजनरेट करना जानती है, वही बेबी स्टारफिश केवल शरीर का एक हिस्सा ही रीजनरेट कर पाती है। फ्लैटफॉर्म्स भाई कमाल है, ऐसा लगता है इस धरती पर सभी जीव अपने शरीर को पहले जैसा परफेक्ट बना लेते हैं। केवल इंसान ही इस रेस में पीछे रह गया है। अब फ्लैटवर्म्स को ही देख लीजिए, जिनकी रीजनरेशन एबिलिटी ने रिसर्चर्स को भी अचंभे में डाला हुआ है। छोटे से इस जीव की ज्यादातर प्रजातियों के पास शरीर के सभी हिस्सों को दोबारा रीजनरेट करने की ताकत होती है। स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर वर्म्स अपने सर को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। धरती पर मौजूद फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स काफी लंबे समय से ये करते आ रहे हैं। फ्लैटवर्म्स को प्लेनेरिया नाम से भी जाना जाता है। ये जीव असल में एसेक्सुअल क्रिएचर्स हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को जन्म देने के लिए खुद के शरीर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर ही आधे हिस्से रीजनरेट होकर 2 नए वर्म्स को जन्म देते हैं। कॉन्च कॉन्च धीमी गति से चलने वाले समुद्री गैस्ट्रोपॉड होते हैं, जिनके पास कैमरे जैसी आंखें होती हैं। समुद्र में अगर कभी आप कॉन्च को स्पॉट करेंगे तो पाएंगे कि इस जीव की आंखें लंबे सिरे के आखिर में होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव अपने अजीबोगरीब अनोखी आंखों को दोबारा रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। रीजनरेशन की कला में माहिर ये शिकारी केवल अपनी आंख को ही रीग्रो करना जानता है, जबकि इसके शरीर के बाकी हिस्सों पर ये नियम लागू नहीं होता। डियर
हिरन का नाम इस लिस्ट में सुनकर आपको शायद विश्वास न हो, क्योंकि जब बात बड़े जीवों की आती है तो शरीर के पूरे अंग को रीजनरेट करना आसान नहीं होता, लेकिन डियर जैसे मैमल्स में ये फीचर पाया जाता है। ये जीव अपने शरीर के एंटलर्स को दोबारा रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। दरअसल हिरन में न्यूरल क्रेस्ट डिराइव्ड स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे ये जीव अपने सींगों को दोबारा रीग्रो कर पाते हैं। एक बार एंटलर्स के शरीर से अलग होने पर हिरन को इन्हें दोबारा रीग्रो होने में 3 महीने का वक्त लगता है। हिरन के इन एंटलर्स का वजन 27 से 30 किलोग्राम तक पाया गया है। क्रेफिश। क्रेफिश मीठे पानी की छोटी झींगा मछलियों के समान होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में इन जीवों को क्रॉफिश, क्रेडिट्स, क्रेडेडिस, क्रॉडेट्स, फ्रेश वाटर लॉबस्टर जैसे नामों से जाना जाता है। इस जीव की खूबी है कि एर्थोपोड्स की तरह क्रेफिश भी अपने पंजों को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। दरअसल ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेटिंग के समय भारी कंपटीशन के चलते अक्सर क्रेफिश अपना एक पैर और पंजे खो देते हैं। आमतौर पर इस जीव को रीजनरेशन की प्रक्रिया पूरी करने में केवल थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर क्रेफिश कम उम्र की है और पूरी तरह स्वस्थ है तो वो अपने पंजों को और भी जल्दी रीजनरेट कर लेती है। ज़ेब्रा फिश। सुंदर सी दिखने वाली ये मछली ज़ेब्रा फिश है, जैसा कि इसके नाम ही ज़ेब्रा है। शायद यही वजह है कि हमें ज़ेब्रा फिश के शरीर में 2 रंग की स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं। इस प्यारी सी मछली के पास रीजनरेशन की कमाल की ताकत है। समुद्र में शिकारी द्वारा हमला होने पर अगर मछली की पूंछ और पंख कट जाते हैं तो ज़ेब्रा फिश लगभग 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही एक नई पूंछ और पंख विकसित कर सकती है। इसका ऐसा रीजनरेशन मॉडल वैज्ञानिकों के लिए भी हैरान करने वाला है। स्पाइडर। जंगल में अगर आप कभी बिना टांग वाले स्पाइडर को देखते हैं और उसके लिए अफसोस करते हैं तो मैं बता दूं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मकड़ी अपने टांग को रीजनरेट करना जानती है। अक्सर ये जीव भोजन की तलाश में या साथी शिकारी से लड़ाई होने पर अपनी टांगें खो बैठती हैं, लेकिन इनके लिए टांगों का घायल होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये जीव जल्दी से अपनी टांगों को रीजनरेट कर लेते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में एक बात तो तय है कि इस जीव की नई टांग पुरानी टांग से या तो पतला होती है या फिर छोटी, वो पहले जैसे नहीं रहती। शायद इसलिए कहते हैं ओरिजिनल चीजें ही सही तरीके से काम करती हैं। लिजार्ड्स। शरीर के रीजनरेशन की बात की जाए तो छिपकली का नाम आना लाजमी है। घरों में पाई जाने वाली छिपकली से लेकर इस जीव की ज्यादातर प्रजाति में रीजनरेशन की काबिलियत पाई जाती है, लेकिन क्रेस्टेड ग्रेको प्रजाति की छिपकली में ऐसा नहीं होता। ये जीव अपनी पूंछ खो सकती है लेकिन उसे वापस नहीं पा सकती। इसके अलावा बाकी छिपकली बड़ी आसानी से अपनी पूंछ को रीजनरेट करने में सफल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर छिपकली सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के चलते अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर देती हैं, ताकि वे अपने शिकारी का ध्यान भटका सकें। इसके अलावा जब छिपकली की पूंछ वापस बढ़ती है तो वो पहले की तुलना में थोड़ा अलग होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी नई पूंछ हड्डी से बनने के बजाय कार्टिलेज से बनती है, जो कि हमारे नाक और कान में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, एनिमल किंगडम में कई ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर के अंगों को खोकर भी उन्हें पहले जैसा परफेक्ट बना देते हैं। इसके विपरीत लगता है इंसान इस काबिलियत से अछूते हैं, वो चाहकर भी अपने किसी भी शरीर के अंग को दोबारा पहले जैसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।